बॉलीवुड में सीरियल किसर के टैग से मशहूर एक्टर इमरान हाशमी ने टाइगर 3 से अपनी नई पहचान बना ली है। अब एक्टर मोस्ट हैंडसम विलेन के तौर पर भी जाने जाने लगे हैं। एक्टर ने हाल ही में तेलुगु फिल्म ओजी साइन किया है, जिसमें वो फेमस एक्टर पवन कल्याण के साथ एक्शन करते नजर आएंगे। फिल्म में इमरान विलेन के रोल निभाने वाले हैं। हमेशा कहा जाता है कि बॉलीवुड के वर्क कल्चर और साउथ इंडियन के काम करने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इमरान भी इसे महसूस कर पा रहे हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इमरान ने इस बात की ओर अपना ओपिनियन शेयर किया। इमरान ने खुलकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। इमरान ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी साउथ की फिल्में करेंगे। टीओआई को दिए इंटरव्यू में इमरान बोले, मुझे लगता है कि साउथ के फिल्म मेकर हमसे यानी हिंदी सिनेमा से कहीं अधिक डिफिकल्ट है। वे अपनी फिल्म पर खर्च होने वाला हर पैसा स्क्रीन पर दिखाते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों में हम अक्सर गलत जगह पैसा खर्च करते हैं और आखिर में ये स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है। जब VFX स्केल और टाइप ऑफ पाथ ब्रेकिंग कहानियों की बात आती है तो उनकी फिल्मों में एक चालाकी झलकती है। इससे पहले भी हम इसकी बराबरी कर सकेंगे। हमारे पास कुछ आधार है जिसकी वजह से हम सिमट जाते हैं। जिस तरह से वे फिल्म बनाते हैं उसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसी के साथ इमरान ने साउथ इंडस्ट्री में काम करने को लेकर अपनी खुशी भी जताई। विलेन के रूप में इमरान को दर्शकों का खूब प्यार मिला है। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी साउथ इंडियन में एंटर भी कर पाऊंगा। उन्होंने फिल्म पर ज़्यादा बात न करते हुए हमें बताया कि कहानी बहुत अच्छी है, उतना ही उनका कैरेक्टर भी दमदार है।